9 अगस्त 2020 काठमांडू पुलिस को गोंगाबू इलाके में एक लावारिस पड़ी हुई सूटकेस मिली जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थी। पुलिस ने जब उस बैग को खोला तो उस बैग में से करीब 40 से 45 साल के एक अधेड़ इंसान की बिना सर वाली लाश मिली। उस बैग में एक इंसानी जिस्म रखा हुआ था जिसके हाथ और पाँव भी नहीं थे और ना ही सर। उसके पाँव को काट के उसी के धड़ के पास उसी बैग में रखा गया था। पुलिस ने अब इस मरे हुए इंसान की पहचान करने और बाकी का जिस्म ढूंढने का काम शुरू कर दिया। इस बैग के मिलने के करीब 2 ही घंटे में पुलिस को उसका कटा हुआ सर मिला जो कि कुछ इस तरह दिखता था। इस घटना के 3 ही दिन में पुलिस ने इस शख्स की हत्या के जुर्म में एक महिला और उसकी 15 साल की बेटी को गिरफ्तार कर लिया। कौन था ये शख्स और क्या कहानी थी आखिर उसकी मौत के पीछे, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। 8 अगस्त 2020 कल्पना मुदवाड़ी पौडेल ने अपने दोस्त कृष्णा बहादुर बोहरा को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया। कृष्णा बहादुर बोहरा वैसे तो काठमांडू के रौलपार डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले थे पर पिछले कुछ महीनों से यहाँ के एक होटल में किराए के रूम में रहता था। पिछले 4 साल से कल्पना और कृष्णा के फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और तब से लेकर आज तक दोनों के रिश्तों में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका था। कृष्णा बहादुर इससे पहले भी कई बार कल्पना से मिलने उसके घर जा चुका था। 8 अगस्त की रात को ठीक वैसे ही कृष्णा कल्पना से मिलने उसके फ्लैट पर गया। कल्पना ने कृष्णा के लिए कुछ खाना बनाया जिसमें चावल, दही और कुछ मटन के साथ कृष्णा ने वोडका तक पी। पर इस बार कल्पना ने पहले से ही कृष्णा बहादुर बोहरा को ख़त्म करने का प्लान सोच रखा था। कल्पना ने कृष्णा की वोडका में नशीली दवाई की 5 गोलियां मिला रखी थी। जैसे ही वोडका पी के कृष्णा बहादुर बेहोश हुआ, कल्पना ने एक हथौड़ी ली और सबसे पहले कृष्णा बहादुर की दोनों गोटियों पर कस के वार किया। ऐसा करके उसने कृष्णा बहादुर की दोनों गोटियां हथौड़ी से मसल दी। फिर अपने पास से एक चादर लेकर उससे कृष्णा का गला घोंट दिया। कुछ देर तड़पने के बाद कृष्णा बहादुर बोहरा की वहीं पर मौत हो गई। जब कल्पना को ये तसल्ली हो गई कि कृष्णा की मौत हो चुकी है तो उसने अपनी 15 साल की बेटी के साथ मिलकर कृष्णा की लाश को अपने बाथरूम में ले गई। वहां जाकर कल्पना ने सबसे पहले अपने किचन की धारदार छुरी से कृष्णा का सिर काट दिया। उसके बाद उसके हाथ और पैर भी काट दिए। कृष्णा बहादुर के बदन के एक एक अंग को काट के कल्पना ने उन्हें प्लास्टिक की बैग में भर दिया। फिर एक बड़ा सा सूटकेस लेके उसमें कृष्णा के धड़ को रखा और उसी के बगल में टांगों को रख दिया। इसके बाद उसने दूसरे एक सूटकेस में कृष्णा के सर को रख दिया। इतना करने के बाद दोनों माँ बेटियों ने पूरे घर की सफाई की और उसी रात दोनों सूटकेस को एक दूसरे से अलग अलग जगह पर फेंक दिया। पहली सूटकेस मिलने के साथ ही पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया था। पुलिस का सबसे पहला काम था लाश की पहचान करना और उसके लिए ज़रूरी था लाश का सिर। पुलिस ने अपने स्नाइफर डॉग्स जोजो को काम पे लगाया जिसके कारण इस ऑपरेशन को ऑपरेशन जोजो नाम दिया गया और करीब 2 ही घंटे में वो सूटकेस ढूंढ लिया जिसमें कृष्णा बहादुर का सर रखा हुआ था। जैसे ही पुलिस को ये बैग मिला, पुलिस ने कृष्णा बहादुर की फ़ोटो लेकर हर जगह उनकी पहचान के मकसद से फैला दी। पुलिस ने कृष्णा की फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड की जिसके बाद एक नौजवान ने कृष्णा बहादुर की पहचान अपने अंकल के तौर पर की। अपनी तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि कृष्णा पिछले कुछ महीनों से करीब के एक होटल में किराए के रूम में रह रहा था। कृष्णा के कॉल डिटेल्स खंगालने पर पुलिस को कल्पना के बारे में पता चला। पुलिस जब कल्पना के एड्रेस पर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। पुलिस जब फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो पुलिस के सामने पूरा मंजर साफ हो गया। कल्पना के फ्लैट से पुलिस को एक हथौड़ी, खुकड़ी, खून से रंगे ग्लोव्स, ब्लैक शॉल, स्मार्टफोन और कृष्णा बहादुर के कपड़े तक मिले। कुछ जगह पर अभी तक खून के निशान थे। पुलिस अब ये कन्फर्म कर चुकी थी कि कृष्णा बहादुर की हत्या के पीछे कल्पना का ही हाथ था, पर कल्पना का कोई अता पता नहीं था।
इधर कृष्णा बहादुर का कत्ल करने के बाद कल्पना ने उसी रात दोनों सूटकेस को अलग अलग जगह पर फेंक दिया था। अगली सुबह कल्पना ने देखा कि उसके इलाके में पुलिस की हलचल बढ़ गई है, तो उसी रात कल्पना अपनी 15 साल की बेटी और 13 साल के बेटे को लेकर काठमांडू छोड़कर अपनी पहचान के एक एम्बुलेंस में बैठकर अपने मायके चितवन चली गई। अगले ही दिन पुलिस ने चितवन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके कल्पना को गिरफ्तार किया और उसे काठमांडू लाया गया। गिरफ्तार होने के साथ ही कल्पना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कृष्णा बहादुर के बेरहमी से किए गए कत्ल के पीछे की दास्तान बताई। कल्पना की दास्तान तो हम आगे सुनते ही हैं, पर आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल कल्पना एक शादीशुदा औरत थी जिसकी एक 15 साल की बेटी और 13 साल का बेटा भी था। कल्पना का पति पिछले 5 साल से दुबई में जॉब कर रहा था। कल्पना के अपने पति के साथ रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था। पिछले 2 साल से कल्पना के पति ने उसे पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। कल्पना के सिर पर अब अपनी और अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। कल्पना जैसे तैसे करके अपना घर चला रही थी, तभी एक दिन सन 2016 में कल्पना की मुलाकात कृष्ण बहादुर बोहरा से फेसबुक के जरिए हुई। कृष्ण बहादुर बोहरा 45 साल का एक शादीशुदा इंसान था। कृष्णा बहादुर की 2 बीवियाँ थी, जिसमें से पहली बीवी अपने बेटे के साथ इंडिया में रहती थी। फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लग गए। कृष्णा बहादुर कल्पना के घर आने जाने लगा। दोनों की दोस्ती फिजिकल और फाइनेंशियल रिलेशन तक पहुँच गई। मतलब कल्पना कृष्णा बहादुर को अपना जिस्म देने लगी और कृष्णा बहादुर कल्पना को पैसे। अपने कन्फेशन में कल्पना ने बताया कि पिछले कुछ वक्त से कृष्णा बहादुर कल्पना को ब्लैकमेल करने लगा था। कृष्णा बहादुर ने पहले तो अपने स्मार्टफोन में कल्पना के प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड किए और कल्पना के नाम से फेक फेसबुक अकाउंट बना के उसे अपलोड करने की धमकियाँ देने लगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णा बहादुर ने कल्पना के कुछ वीडियोस और फोटोज़ अपलोड तक कर दिए थे। साथ ही कृष्णा बहादुर की नज़र अब कल्पना की जवान हो रही 15 साल की बेटी पर भी पड़ने लगी थी। इसके साथ साथ पुलिस की माने तो दोनों के बीच पैसों को लेकर भी कुछ झगड़ा था। इन सभी बातों को लेकर अब कल्पना परेशान रहने लगी थी। आखिरकार कृष्णा बहादुर की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर कल्पना ने कृष्णा बहादुर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने 8 अगस्त को कृष्णा बहादुर को अपने घर बुलाया और कांड कर दिया। कृष्णा बहादुर की हत्या के तीसरे ही दिन पुलिस ने कल्पना और उसकी 15 साल की बेटी को गिरफ्तार कर लिया। 7 महीने तक कोर्ट केस चलने के बाद 4 मार्च सन 2021 में कोर्ट ने कल्पना को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि कल्पना की बेटी को कोर्ट ने क्लीन चिट दी। कल्पना आज भी काठमांडू जेल में अपनी सज़ा काट रही है। अपने चैनल पर मैंने नेपाल के 3 मर्डर केस कवर किए हैं और एक चीज़ मैंने नोटिस की, नेपाल में इंसाफ बहुत जल्दी किया जाता है। हमारे हिंदुस्तान की तरह एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट और पानी जैसे साफ केस में भी सालों नहीं लग जाते। आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको टिकटॉक स्टार अंजना लामा महत का केस भी पसंद आएगा, जिसे उसके जेठ ने खुकड़ी से मार दिया था।